दूर वाले हैं ना, अन्य प्रांत से आए हैं, अन्य देश से आए हैं, उन लोगों से मैं कहूंगा कि केवल सदगुरु की याद करते रहो तो भी सदगुरु का संग है। सोते समय सदगुरु का याद करके सोवे वह भी संग है। और जैसे जिस भाव से सदगुरु के विषय में याद करोगे, बोलिए साची दरबार की जय। हम अहू से चलाक हैं सब, हाँ, एक एक बहाना खोज लेते हैं, खूब आराम से खोज लेते हैं। गुरु जी का क्या कहेंगे उसके पहले उत्तर। और दोनों जब इकट्ठा रहते हैं ना, वो अब जनेंद्र का भी नाम रख देंगे इस नवरात्रि में, दोनों उससे मिलता जुलता तो हमें भी बुलाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, दिव्य आत्माएं जब हम जिसका याद करते हैं ना, सच कहता हूं, जिसका याद करते हैं वैसा हो जाते हैं, जिसका याद करते हैं। रामचरितमानस की एक घटना है, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि बोल रहे हैं, आज शक्ति पुराण में है। जब रावण कुंभकर्ण के पास गया, रावण कुंभकर्ण के पास गया तो रावण क्या बोला आप बताएं कि हम। रावण बोला जगने के बाद जब मिला तो कहा कि कुंभकर्ण से बोला, गलती तेक हुई आज मुझसे, हरिलाया मैं मिथिलेश कुमारी। जब बोला कि मिथिलेश कुमारी को हर लाया तो कुंभकर्ण बोला, क्या क्या अधिकार किया तुम उसके ऊपर। कुंभकर्ण बोला कि क्या अधिकार किया उसके ऊपर। तो रावण बोला, एक बार ना बिलोकत मम ओर निहारी, एक बार मेरे ओर देखी भी नहीं। तो कुंभकर्ण बोला कि जब निहारी नहीं तो औधे सब बनते तुम एक क्षण में, रूप बदलने का कला तुम्हारी। वो बोले क्यों नहीं, राम बन करके हासिल कर लिया। देखिए रावण क्या जवाब दिया, नीचे की चौपाई, नीचे की लाइन पर ध्यान दीजिए, आदिशक्ति पुराण। रावण क्या बोला कि राघव रूप बना, राघव रूप लगा जब बनने। ध्यान दीजिए, कुंभकर्ण से बोल रहा है कि रावण रूप लगा जब बनने। आप बताएं कि हम बताएं, आप बताएं कि हम बताएं। अरे रावण जो अरे राघव रूप लगा जब बनने, लगने लगी सब माता सिनारी। बोला कि जब भगवान राम का रूप धारण करके सोचा कि मैं सीता के पास जाऊं, पवित्रता को भंग करूं, और जब रावण जैसे ही राघव भगवान राम का रूप धारण करने लगा, लगने लगी सभी नारियां मुझे, केवल मंदोदर को छोड़ करके सभी नारियां मां का रूप लगने लगी। कहने का मतलब है दिव्य आत्माएं, यदि रावण जैसा निशाचर आदमी, रावण जैसा दुराचारी आदमी, व्यक्ति नहीं था वो, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति में जीने वाला व्यक्ति, यदि भगवान राम का रूप जैसे बदलता है वैसे प्रभाव बदल जाता है, मन बदल जाता है। अच्छा आप लोग देखते हैं हनुमान जी का पाठ करते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं और अंगद का भी पाठ करते हैं, और वही हनुमान जी को जो रोल लेते हैं, और जब रोल में न हो ऐसे साधे भेष में मिले तो हृदय में सम्मान आएगा। बोलिए, अच्छा उतना भावना होगी, भावना होगी। जब सोचने लगता है व्यक्ति, दिव्य आत्माएं ध्यान से सुनना, कि जब आप वैसा बनने लगते हैं, और जब वैसे बनने लगते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं जैसे आप हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि सदगुरु हैं, सदगुरु का फोटो आपके पास है। कोई एक आचार्य जी बोल रहे थे, गुरु जी हमको मना किए नहीं माने, लेकिन आगे जाकर मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। कोई बोल रहा था, उस समय हम ध्यान बदल रहे थे, कोई बोल रहा था गुरु जी मना किए लेकिन नहीं माने, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, भयंकर एक्सीडेंट, 72 टांके लगे, मरा तो नहीं जिंदा हूं। केवल यह आप लोगों को बताने के लिए कि गुरु यदि बोले तो भाई समझ जाना, संभल जाना। क्यों? आचार्य सुदर्शन जी महाराज हैं, श्रेष्ठाचार्य जी, इनके इनको यहां लाने वाले सुमंत जी थे,
सुमंत जी को ऐसे मना किया, बोला सुमंत जी आप मत जाइए, और गए ठीक माया टाकिज के आगे जो संगम टाकिज, एक्सीडेंट कर गए। क्यों महाराज जी? 3 वर्ष तक क्यों? बिहार से आए हैं, वहां कुछ लोग आए हैं आज, कहाँ है कोई है इसे सभा में? नहीं है, देखे हैं कौन है? अच्छा दो लोग, अच्छा अच्छा कौन है? शर्मा जी हैं, कौन है अध्यक्ष जी हैं का? अध्यक्ष जी हैं शायद, हाँ वहाँ के मातेश्वरी धर्म संगठन बिहार के प्रांत के, ठीक है। इनके यहाँ से एक हनुमान जी थे, आते थे और शक्तिपीठ पर व्यस्त रहते हैं। उनके साथ एक व्यक्ति आए, कौन तिवारी जी थे। हमने कहा कि इसी तरह से यज्ञ होनी थी, आचार्यों ने शुभ शोभा यात्रा निकाला था, अभी यज्ञ के पहले ही नहीं निकला था एक बार मोटरसाइकिल से, प्रशासन ने कहा कि रोक दिए, फिर वापस आ गए लोग। तो उसके बाद जब आए मेरे पास, बोले गुरुजी हम जाना चाहते, हमने कहा मत जाइए। और जैसे ही बिहार जिले में सिवान को पार किए, ऐसा टक्कर लगा ट्रक से कि एक एक शोल्डर ज्वाइंट कंधा उखड़ गया, दर्द करने लगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का केवल मतलब ये है, दिव्य आत्माएं यदि सदगुरु को समर्पण कर चुके हो, सब दे चुके हो, तो फिर क्यों करते? ये जनेंद्र जी जो आज पत्रकार हैं, ब्यूरो हुए हैं इस समय, जनेंद्र जी मेरे पास आए, कहे गुरु जी मैं लोन लेना चाहता हूँ, लोन लेकर कुछ कार्य बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कि हाँ गुरु जी मदद करें, आप हमें लोन देने का परमिशन दे दीजिए। हमने कहा हम नहीं देंगे, जाइए ले लीजिए, उसका सहयोग करेंगे। 4 साल के बाद इनके पिताजी आए कि उसकी आरसी कट चुकी है, गुरु जी क्या करें, जनेंद्र तो दिल्ली है, कोई उपाय करें कि है कि नहीं। तो इसलिए गुरु जी हम भी ना जैसे मन में मन मिलाकर जाओ भाई, हाँ करो, हाँ हाँ करो, क्या बात है, झूठे हमको क्यों आगे करते हो, जब अपने मन का ही करना है तो मुझसे क्यों पूछते हो, है कि नहीं बात। अब यहाँ पर बात है कि कहने का केवल मतलब ये है दिव्य आत्मा है कि जो जिसके अंदर श्रद्धा और प्रेम है, यहाँ नहीं है, लाइव देख रहा है, लाइव देख रहा था, हमें कल से फोन मेरे पास आ रहे हैं, कल से, इसके पहले नहीं आए, लाइव देख रहे हैं, और लाइव देख करके आज पूछे हैं गुरु जी हम दूर रह करके विदेश में तो हैं, लेकिन कैसे आपसे रूबरू हो सकते हैं, कैसे कुछ पा सकते हैं, बड़ा दुखी थे। तो हमने यही बात कहा जो आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि कल सुबह 10 बजे के बाद आप लोग विदा हो जाएंगे, यही बात बताएंगे कि सच्ची प्रेम की लकीर हुई ना तो सदगुरु स्वयं आते हैं, उनके यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ एक बात और है, जो मजबूर हैं, बहुत दूर हैं, देश के बाहर हैं, वह नहीं आ पाए, लेकिन जान बुझ करके बहाना करके न जाओ, ये तो घटघट वासी को पता ही है ना। दिव्य आत्माएं कहा जाता है कि चारों ओर से जब कोई सहारा नहीं होता है, सदगुरु का सहारा, तो सारे देवता मिलकर के गुरु बृहस्पति के पास गए। गुरु बृहस्पति पास देव सब जाई, करहिं विनय निज शीस झुकाई, गुरु करहूं अब तुही कछ, गुरु अप करहूं कहूं तुही कछु, सही न जाया अब क्लेश, महिषासुर पापी यति महाभयंकर यह द्वेष। बोल रहे हैं कि इससे बड़ा क्या है गुरु जी, मेरे समझ में नहीं आता था। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मुझे तो माँ आदि शक्ति अधिकार देती कि भाग्य विधाता बनना, क्षीरसागर निवासी बोले पालन करता बनना, काल कालेश्वर बोले कि हमको मैया बोले कि जाओ तुम कालेश्वर रहना, लेकिन किसका कौन प्रकट कर दिया एक बीच में देवी आत्माएं। एक महज अहंकार को तोड़ने के लिए मां शक्ति अलीला की, नोट करिएगा, देवताओं को अभिमान हो गया कि जो हूं सो, और जब अहंकार की सीमा
व्यक्ति लांघने लगता है तब सदगुरु या भगवान या मां शक्ति योजना बनाती है और उसको अहंकार को तोड़ने का पूरा प्रयास करती है। क्यों? कि अहंकार गले बिना होगा नहीं उद्धार। ध्यान देना, अहंकार के गले बिना होगा नहीं उद्धार। कितनो पुण्य तपस्या लेकिन होता जर कर खंखार। अहंकार सबको खा जाता है। वैसे देवता अहंकार के मत में डूबे हैं लेकिन अब तो विपत्ति आ गई, क्या करें? थोड़ा सगुण में चलेंगे, सगुण उपासना सभी लोग चलेंगे हैं, श्रृंगी भी हैं, चलिए चलते हैं। कौन कौन लोग चलेंगे? सभी देवी देवता तो जा रहे हैं, ये देवी देवता चलेंगे हैं? चलिए हम भी चलेंगे, हमको भी ले चलेंगे ना, चलिए। देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे, चलो माँ के दुआरिया। देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे, चलो माँ के दुआरिया। देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे, चलो माँ के दुआरिया। अरे ब्रह्मा संग ब्रह्मांडिया धाये, ब्रह्मा संग ब्रह्मांडिया धाये, ब्रह्मा संग ब्रह्मांडिया धाये। विष्णु संग चली लक्ष्मी अमाये, विष्णु संग चली लक्ष्मी अमाये, विष्णु संग चली लक्ष्मी अमाये। यदि कृपा अधिक पाना चाहते हैं तो जो मन बोले वो सोचते जाना, जो जुबान बोले वो सोचते जाना, बड़ा गजब लगेगा। करत जयकारा दिल से पुकारा, करत जयकारा दिल से पुकारा, करत जयकारा दिल से पुकारा। सुन ले अरज हमार रे, अरे देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार। देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे, चलो मागे दुआरिया। देखिए दिव्यात्माएं, देवता और देवियां, अरे बीड़ा ले कर नारद धाये, बीड़ा ले कर नारद धाये, बीड़ा ले कर नारद धाये। नंदी चढ़ी प्रभु शंकर आए, नंदी चढ़ी प्रभु शंकर आए, नंदी चढ़ी प्रभु शंकर आए। हे जग माता भाग्य विधाता, हे जग माता भाग्य विधाता, हे जग माता भाग्य विधाता। महिमा अपरंपार रे, अरे देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे, चलो माके दुआरिया। अरे देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे, चलो माके दुआरिया। जमराज
राज चले करीन्द्र को आगे जमराज चले करीन्द्र को आगे जमराज चले करीन्द्र को आगे गंगा गायत्री गणेश भी भागे गंगा गायत्री गणेश भी भागे गंगा गायत्री गणेश भी भागे कोई न सहारा जग में हमारा कोई न सहारा जग में हमारा कोई न सहारा जग में हमारा बिनती नमन हजार रे अरे देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे चालो मागे दुवरिया अब देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे चालो मागे दुवरिया अरे गैया बन चली धरती मैया गैया बन चली धरती मैया गैया बन चली धरती मैया देव पुकार कोई न सहैया देव पुकार कोई न सहैया देव पुकार कोई न सहैया पार रे अरे देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे चालो मागे दुवरिया अब देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे चालो मागे दुवरिया शास्त्र पुराण भी आए वेद शास्त्र पुराण भी आए वेद शास्त्र पुराण भी आए सूरज चंदा सूरज चंदा तारा धाए सूरज चंदा तारा धाए सूरज चंदा तारा कटहरणी हे जग जननी संकट हरणी हे जग जननी संकट हरणी अब तो सुने पुकार रे अरे देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे चालो मागे दुवरिया अरे देव चले महादेव चले सब देवता करे पुकार रे चालो मागे दुवरिया सभी देवता चले माँ की द्वार पर जा कर के और विनती कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा सोचें। अरे मानो पे विपत पड़े जब सुनो तो रामत कृष्ण है होते सहाय काल कालेश्वर को कौन कहे बजरंग बलि देते दुख को भगाई लेकिन देवों पर विपत पड़े सुन ध्यान से फिर कौन तो विपत को काटन के आवे यही तो कारण जगत जननी मैया आदि अशक्ति जगदम्बा कहावे। मनुष्य पर विपत्ति आती है तो देवता लोग सहारा कर देते हैं लेकिन देवता पर विपत्ति आई तो कौन सहारा होगा, कौन सहारा होगा, बोलिए कौन सहारा होगा। मसमासुर सतगुरु
बोलिए साचे दरबार की जय, सदगुरु अम्बे अवतार की जय। दिव्य आत्माएं, सभी दैविक शक्तियां, सभी दैविक शक्तियां चली गई हैं सदगुरु के पास, और सदगुरु एक उपाय बताते हैं कि कहीं उपाय, एक उपाय सदगुरु बताए, दानव बध के राह दिखाए। यह दानव का वध कैसे होगा? देवताओं पहले हमें दो बात बताओ, अभिमान तो नहीं किए, और दूसरी बात यह बताओ। अच्छा देखें, आजकल के माँ बाप, बच्चा जब अपने आउट कंट्रोल से आउट होने लगता है तो माँ बाप उसे बोलना छोड़ देते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? इस आशा से छोड़ते हैं कि शायद अब सुधर जाए, हैं? अब सुधर जाए। अब उससे भी जब नहीं मानता है, अत्याचार उत्पात करता है, तो क्या करते हैं? आप बोलेंगे कि हम बताएं, हम बताएं, हमारा तो बच्चा कोई उदंडता करता ही नहीं, तो हम कैसे बताएं? लेकिन देखिए, तब अपने यदि नहीं तो दूसरे से कहते हैं उसको लगाओ चार झप्पड़, हमसे नहीं मान रहे, लगाओ चार झप्पड़, घमंड चकना चूरो होता है ना। दिव्य आत्मा है, उसी तरह से जब मां शक्ति देखती है कि यह सृष्टि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, देवता होकर के भी दानवता सा व्यवहार कर रहे हैं, विप्रकुल में जन्म लेने के बाद भी कर्म दानों का कर रहे हैं, यह अच्छा कहने वाला भी अपने को अच्छा कहलाता है लेकिन फिर भी सृष्टि का विनाश कर रहा है, लोगों को कष्ट पीड़ा दे रहा है, तो मैया ऐसा विपत्ति चलाते हैं, ऐसी विपत्ति चलाते हैं। आप लोग बोलते हैं ना, अरे पाप से अम्मा दुखी, बोला नहीं है, अब पाप से अम्मा दुखी हुई, घमंड से नाराज हो, नीचे की लाइन देखना, सुधरे खातिर दुख भेजी घर में करे, अरे ये ऊपर जे माने नाही, इतनो पर जे सुधर नाही, नाश करी दिनवा राती हो, मैया जी का यार ती उतार दे, मैया जी का यार ती उतार ये भाती हो, मैया जी का यार ती उतार ये। दिव्यात्माएं, जब दुख होता है तो आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं कि भगवान में कमी है, सदगुरु के यहाँ जाते हैं फिर भी मेरा संकट नहीं जाता? अरे उसके पीछे तो सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप को देखो कि तुमने कितना पुण्य और तपस्या इकट्ठा किया, उसी के बल से तो दुख कटेगा। पहुंच गए कहाँ, कहाँ पहुंच गए देवता लोग? सदगुरु ने कहा एक काम करो, विनती करो, प्रार्थना करो। मैं भी बोलता हूं, ध्यान में मन न लगे तो ताली बजाकर मगन करना, ताली बजाकर मगन होकर भजन करना। और जब ताली बजाकर मगन होकर भजन करोगे कि ताली के गड़गड़ाहट से और ताली के टकराहट से खूब जोर से बजाओगे तो एक तो कंधे से और सर्वाइकल जो तुम्हें बीमारी होगी वह नहीं होगी, हुई है तो धीरे धीरे खत्म हो, और दूसरा फायदा ये होगा कि जब खुल करके भजन करोगे तो जो मन तुम्हारा दिन रात इस संसार में माया में भूत में प्रेत में झूठ में बेईमान में मारो धारो पकड़ो गाली दो गलौज दो झगड़ा करो फलाना करो ढिकाना करो इसमें लगा है, इससे तू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। बजरंगबली महाराज जी, गुरु जी, इस मंत्र का आप लोग प्रयोग करिए घर में, और ताली बजाकर परिवार के साथ भजन करिए, चमत्कार होगा देख लीजिएगा। जितने घर में कलह है, झगड़ा है, टेंशन है, बवाल है, कुछ नहीं होगा, शांति हो जाएगा। एक नन्हा बच्चा है, एक बार देख लिया हमको ऐसे प्रवचन में करते हुए, नकल कर लिया, ऐसे ऐसे करता है, साल या डेढ़ साल का हो, ठीक है, लेकिन हमारे पास नहीं आता, सबके पास रहता है, हमारे पास नहीं आता। देखिए, चलिए, अब देवता लोग विनती कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति का आप भी करेंगे,
दुर्गा जी का नहीं कर रहे हैं, आप भी करेंगे जी। कौन कौन करेंगे, कौन देवी देवता करेंगे? सभी देवता कर बिनती बारंबार, हो यारा जिया के सुन ले तू जननी। देवता कर बिनती बारंबार, हो यारा जिया के सुन ले तू जननी। देवता कर बिनती बारंबार, हो यारा जिया के मनुष्य के सामने हाथ जोड़ो गिड़गिड़ाओ वह नहीं सुनेगा, लेकिन भगवान या प्रभु या माँ शक्ति की विनती ऐसी है कि कभी वृथा नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता है। पुण्य आत्माएं यदि सच्चे हृदय से पुकार हो तो मैं गारंटी बोलता हूँ, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं अजमाया हुआ हूँ, आप लोगों में भी कोई अजमाया है? अजमाया है जी, इतने लोग अजमाए हैं, वाह, हम अभी तक अपने को ही जानते। आप लोग देखे होंगे संसार में दवा कराते करते परेशान, पैसा लेकर के रुपया लेकर के डॉक्टरों के यहाँ आपने अथाह खर्च किया, जैसे जैसे डॉक्टर बोला डायग्नोसिस के लिए जाइए, यह जांच करिए, एक्सरे करिए, अल्ट्रासाउंड करिए, ईसीजी कराइए, ईईजी कराइए, वही डॉक्टर बोलता है सब नॉर्मल है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी किसी के सर पर गुजरा है? हाथ उठाइए, बड़े अच्छे लोग हैं। और फिर भी एक कृपा सदगुरु ही क्षण में देते मिटाए, भेद न पावे वेद सोई, सच सदगुरु ओई कह जाए। कितने लोग ऐसे हैं कि दवा कराते कराते हैरान हो गए, छोड़ दे, और जैसे सदगुरु का याद किए वह तुरंत आराम मिल गया। थोड़ा खड़ा हो जाइए तो बैठे बैठे पैर दर्द कर, ईमानदारी से। अरे बाप रे बाप, कई सौ लोग हैं, बताइए चिकित्सा विज्ञान फेल हुआ कि नहीं हुआ जी? इधर भी घुमा दीजिए भाई कैमरा इन लोगों की तरफ, इन लोगों को भी चेहरा ले लीजिए ना, इन सभी लोग देख रहे हैं, देख लीजिए, कई देश देख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। यह दिखा रहा हूँ कि चिकित्सा विज्ञान को चुनौती है, चिकित्सा विज्ञान को यह चुनौती है कि जेकर रक्षा करे मैया फिर कौन मारने वाला है। असद गुरु दया है जिस पर सुन लो सभी उसका रखवाला है। जिसका रक्षा जय जय माँ, 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 जय जय माँ। देवता जब विनती करने गए, दिव्य आत्माएं आदिशक्ति पुराण में वृतांत मिलता है कि देवता विनती करते करते थक गए, थक ही देव कछु समझ न आई।